दिलाराम को पसंद है सच्ची दिलवाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आधी मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं।
कुछ मुझको जीवन सांसे और मुस्कान तुमने दिया है सब कुछ मुझको जीवन सांसे और मुस्कान एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान एक तुम Special greetings for the beautiful festival of Shivratri. For me, this festival has deep, deep significance for our world. Just look at our world. I've had the fortune to travel to around 100 countries, but our beautiful world is full of so much sadness, so much sorrow, and so many problems. So this is the time for us to turn to the light and re-emerge the light inside of us and spread the light. The light is God, Shiva, the light of lights. And this is the time to remember that I am the light, the soul. And if I connect with the light of lights, God, Shiva, we will remove the darkness of sadness in our world. So let's celebrate Shivratri by bringing the light back in my heart and in the hearts of all those around me. Om Shanti. Shiva, 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 Shiva. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
आज हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु बदलते वक्त के साथ स्वयं में बदलाव भी जरूरी हो जाता है। बहुत कुछ करने की चाह, बहुत कुछ पा लेने की चाह गलत नहीं, परंतु जरा सोचिए कि कहीं इसके चलते हम उन चीजों के मोल को तो नहीं भूल जाते जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अनमोल है। क्योंकि जितनी हमारे जीवन में, हमारे मन में संतुष्टता है, उतनी ही खुशी है, और फिर जितनी खुशी है उतना ही हम मन से हल्के हो, लाइट रह पाते हैं, और फिर तब ही हम अपने सारे हिसाब किताब, चाहे वो तन के हों, मतलब अपने शरीर से संबंधित कोई कष्ट हो, संबंध संपर्क के हों, चाहे धन के हों, या फिर किसी तरह की कोई बात ही क्यों ना हो, परंतु संतुष्ट आत्मा को पता है कि ये थोड़े समय की बात है, इसीलिए वो बिल्कुल हल्का रहे, अपने सारे हिसाब किताब बहुत जल्दी ही खत्म कर पाता है। क्योंकि जो जितना हल्का रहेगा उतनी जल्दी ही अपने सभी कार्मिक अकाउंट्स सेटल कर पाता है। इसीलिए संतुष्टता का हमारे जीवन में महत्व को समझना बहुत जरूरी है। संतुष्टता मतलब ये नहीं कि हम आगे के लिए कुछ चाहना ना रखें, कुछ नया ना करें और जो है उसी से ही संतुष्ट हो जाएं। नहीं, ये संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता तो जीवन जीने की कला है। जो कुछ हमारे पास है किसी भी रूप में, चाहे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, हर उस चीज को, अपने रिश्तों के मोल को जान, उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना, ये संतुष्ट आत्मा की निशानी है। तो आइए संतुष्टता को जीवन में यूज करना सीखें। बने रहें हमारे साथ आपके अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए, भक्तों को भगवान मिले हैं, सब है परम पिता को पाए। और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए, भक्तों को भगवान मिले हैं, सब है परम पिता को पाए। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। भगवान आकर इस संसार को बदलने का दिव्य कार्य कर रहे हैं और उनके सहयोगी बनने का आधार है स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बना लेना,
पवित्र बना लेना, देवत्व से भरपूर कर लेना। वो आ गए हैं सबके अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करने के लिए, याद दिला रहे हैं, हे बच्चे तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम भारतवासी बहुत महान हो, मेरे बहुत समीप हो, आ जाओ फिर से मुझसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। शिव 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 बाबा के ज्ञान में करने लायक कुछ है ही नहीं, सारा कुछ है ही समझने का, क्योंकि बगैर समझ के किया हुआ कोई भी कर्म बाहर की इमारत को ही ठीक करेगा, अंदर नहीं पहुंचता, अर्थात भीतर परिवर्तन नहीं हो पाता। शिव 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 खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए, झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक नजारे, खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत, खुश रहो परमात्म शिक्षाएं। सबसे पहले अपनी स्थिति की तरफ अटेंशन रखो, गायन भी है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसलिए बाप के 100% आज्ञाकारी बनो, मोटे रूप से चेकिंग मत करो। स्व परिवर्तन के लिए हर बात से, हर किसी के पार्ट से न्यारा होना अति आवश्यक है। जितना न्यारा उतना प्यारा, अर्थात जो बच्चा बाप का प्यारा है वो तो स्वतः ही सबका प्यारा हो जाएगा। ए खुदा तू कौन है, कहाँ रहता है, क्या तेरा पता, कुछ पता नहीं, पर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा के बारे में आज अनेक प्रश्न हैं। क्यों ये प्रश्न है? पहला प्रश्न तो ये है, ये प्रश्न क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि आँखों से देख नहीं सकते, इसलिए कई प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न इसलिए भी होता है, क्यों आते हैं, क्योंकि परमात्मा को जिस जिस भावना से याद करते हैं ना, उस भावना का भाड़ा ईश्वर देता है।
क्योंकि थोड़ी तो मेहनत की भावना रखी। शिव 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 शिव